मैं आपको अपने चाइना ट्रिप का सबसे खराब एक्सपीरियंस दिखाऊंगा और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपने जो थॉट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Chinese. बहुत बुरा लग रहा है यार। देखो यार रिक्शा ये ऐसे चला रहे हैं भाई। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ से यार इतना पास है कि आप एक बोट राइड के थ्रू ना नॉर्थ कोरिया के अंदर की लाइफ देख सकते हो। ये देखो अल्ट्रा नैनो गाड़ी जा रही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इस समय मैं हूँ बीजिंग में और लास्ट दो दिन से मैं यहाँ पे रुका हुआ था। आज जो है बीजिंग को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे। नॉर्थ कोरिया और एक चाइना का बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे। वहाँ पे एक टाउन पड़ता है डंडोंग करके। तो वहाँ पे मेरा जाने का जो है ना प्लान है आज का। और वहाँ के लिए ना मैंने एक ट्रेन की टिकट करा रखी है। तो यहाँ से मेरे को टैक्सी पकड़नी है। मेरे पास केवल एक घंटा है। हालांकि मैंने मैप पे चेक किया है, मैप पे जो डिस्टेंस है ना भाई यहाँ से रेलवे स्टेशन की वो लगभग 12 या 14 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। बीजिंग चाओयांग चाओयांग हाउ मच हाउ मच। यहाँ पे भाई टैक्सी मैंने पकड़ ली है। मैंने इनसे पूछा कितने पैसे, तो इन्होंने मेरे को ये दिखाया 13 युआन आई थिंक पहले से ही इन्होंने डाल रखे हैं और उसके ऊपर जो हमारे लगेंगे वो लगेंगे। तो इस तरीके की टैक्सी जो आप हाथ देके रोकते हैं चाइना में उसका बेस फेयर 13 युआन होता है। चाइना में एक और ऐप है दीदी जिसके थ्रू टैक्सी आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। अब भाई पहुंच गया यार रेलवे स्टेशन। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट लगे होंगे यहाँ पहुँचने में और अब चलते हैं अंदर। चलो कम से कम आज भाई ट्रेन तो मिस नहीं होगी। बड़ी खुशी हो रही है। सुबह से यार मैं कुछ खा के नहीं निकला यार, भूख सी भी लग रही है। चलो अब सिक्योरिटी चेक इन कराते हैं पहले। अब यार सिक्योरिटी चेक इन वगैरह तो हो गया। अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला ये लगा हुआ है बोर्ड। मेरी जो ट्रेन का नंबर है ना अभी लिख के भी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी एक घंटे का समय है। अगर आप बीजिंग के अंदर घूम रहे हो या चाइना के अंदर घूम रहे हो ना तो एक चीज़ आपको बता दूँगा, हमेशा अपना पासपोर्ट है ना अपने साथ रखिए क्योंकि 90% चीज़ों में ना यहाँ पे आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो ट्रेन स्टेशन के अंदर घुसना हो, इवन कई बार वो मेट्रो स्टेशन पे भी आपसे मांग सकते हैं। एक ये टिपिकल रेलवे स्टेशन है, पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था जब मैंने ग्रेट वॉल के लिए ट्रेन बोर्ड करी थी। ये जो आपको गेट दिखाई दे रहे होंगे जैसे 4 से 5 भी 6 से 7 भी, इन गेट से एंट्री होती है और अंदर जाके फिर प्लेटफॉर्म बने हुए होते हैं। चेक इन स्टार्ट हो चुका है भाई। चेक इन जो है ना 15 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन होंगे और यहाँ पे आपको टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा पासपोर्ट स्कैन करो अंदर जाओ। ये खड़ी हुई है हमारी बुलेट ट्रेन जिसमें अब हम लोग बोर्ड करेंगे। भाई 7 नंबर है मेरा यार कैरिज। देखो यार क्लीनलीनेस तो यार नेक्स्ट लेवल है यार, मानना पड़ेगा। क्वालिटी बहुत तगड़ी है भाई, चकाचक लग रही है एकदम। ये विंडो साइड है, ओके ये है मेरी सीट भाई। अब यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है। कुछ कुछ चीज़ें इनमें और हम में बिल्कुल सेम है भाई। कोई बंदा लाइन काट के आगे आ जाएगा आपके, जैसे ही गेट खोलेगा तो एकदम भगदड़ सी मच जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हम में और इन लोगों में सिमिलर हैं। तो भाई अब उतर चुका हूँ मैं डेंगडोंग रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की जो जर्नी थी ना वो एकदम मस्त रही यार। और यहाँ ना जैसे लाइन लगी हुई है ना तो आपको एज ए फॉरनर उस लाइन में लगना होता है जहाँ पे कोई ऑफिसर खड़ा हो क्योंकि वही आपका पासपोर्ट है ना स्कैन करने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि बाकी लोगों के पास इनका जो है ना चाइनीज आईडी कार्ड होता है, वो लोग ये लोग स्कैन कर लेते हैं। हो गया भाई स्कैन। और ये देखो बड़े बड़े से मोटे मोटे से पर्दे लगा रखे होते हैं ठंड को बचाने के लिए। और ये है भाई डेंगडोंग। हम स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं भाई। इस समय यहाँ पे टेम्परेचर जो है 9 डिग्री के आसपास है, लेकिन भाई ठंड में ये टेम्परेचर ना माइनस में चला जाता है। -10-10 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अब जो है ना मैंने trip.com से यहाँ पे एक यार होटल बुक करवा रखा था, तब मैं जो है ना अपने होटल की साइड जाऊँगा। ये अपने नैनो गाड़ी ये देखी होगी, ये देखो अल्ट्रा नैनो गाड़ी जा रही है भाई, अल्ट्रा नैनो। मेरा जो VPN है ना यार वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, बीच बीच में ब्लॉक हो रहा है। कभी तो एक दिन पूरा कर लिया, कभी नहीं किया। तो मेरा जो है एक्सप्रेस VPN है भाई, मतलब मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है, कोई खास अभी तक काम किया नहीं है इसने। भाई लग रहा है मैं पहुँच गया हूँ और यही होटल है शायद, आई थिंक। या इंग्लिश में तो लिखा हुआ नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक बार इमेज देख के कंफर्म करना पड़ेगा। नी हैव आई हैव अ बुकिंग। समझ में नहीं आ रहा था यार, ना इन्हें मेरी भाषा समझ में आ रही है ना मुझे इनकी भाषा समझ में आ रही थी। किसी तरीके से बस चेक इन हो ही गया भाई, बस क्या बताऊँ आपको। 312 ये हमारा रूम नंबर है, यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। एक तो मेरा जो VPN काम नहीं कर रहा ना उससे भी बड़ी दिक्कत हो जा रही है मुझे। चलो वही काम कर रही है लाइट वाइट सब। और ये है रूम यार, ये लगभग मान लो यार ऑनलाइन तो 900 रुपये का दिखा रहा था लेकिन
टैक्स वैक्स लगा के ये 1000 रुपये का पड़ा है मेरे को, और मैं 2 नाइट यहाँ पे रुकने वाला हूँ। तो कल मैं यहाँ पे पहुँच गया था, और कल मैंने यहाँ पे एक होटल लिया था, अगर आपने देखा होगा। आज मैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो इस समय मैं हूँ डेंडोंग में। तो डेंडोंग जो है एक चाइना की सिटी है, जो कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के एकदम बॉर्डर पे पड़ती है। तो अगर आप मैप पे देखेंगे ना, तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में ना केवल एक रिवर का डिफरेंस है, और रिवर के इस पार जो है वो डेंडोंग सिटी है, रिवर के उस पार जो है वो नॉर्थ कोरिया है। तो नॉर्थ कोरिया यहाँ से यार इतना पास है कि आप एक बोट राइड के थ्रू ना नॉर्थ कोरिया के अंदर की थोड़ी बहुत लाइफ देख सकते हो। तो अगर आपको नॉर्थ कोरिया जाए बिना नॉर्थ कोरिया को देखना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है डेंडोंग सिटी में बोट राइड को लेना। इस समय मैं हूँ इस सिटी के एकदम सिटी सेंटर पे। ये एक स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे जो है यहाँ का रेलवे स्टेशन है डेंडोंग का, और ये जो है माओ जेडोंग की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। माओ जेडोंग जो थे वो चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम आज ऐसे जानते हैं, इसके फाउंडर थे और इसके पहले लीडर थे। और जो CCP पार्टी है ना, वो इन्होंने ही बनाई थी, और ये सबसे पहले चेयरमैन थे CCP के। ये वही बंदे थे जिनकी लीडरशिप में चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी। और अब हम यहाँ से ना इस सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। तो यार ये जो सिटी है ना, ये छोटी सी सिटी है, इसका मेन जितना भी प्रोडक्शन है, जितनी भी इकोनॉमी है ना इस सिटी की, भाई वो मेनली नॉर्थ कोरिया के साथ जो ट्रेड चलता है ना उससे आती है। 2015 से पहले यहाँ का जो मेन ट्रेड था, इस डेंडोंग की पूरी इकोनॉमी जो थी वो 80% जो है ना नॉर्थ कोरिया के साथ बिजनेस पर डिपेंड करती थी। और ये देखो यार, ये चाइनीज रिक्शा है, ये छोटा सा। न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने की वजह से नॉर्थ कोरिया पर सेंक्शन लगे, और उसके बाद से ये ट्रेड ना धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन जैसे नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में ना बहुत सारी बॉर्डर पे सिटीज है, लेकिन ये जो सिटी है सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है, जिससे 80% जो चाइना का ट्रेड होता है ना नॉर्थ कोरिया के साथ, वो इस सिटी के साथ होता है आज भी। तो अभी मैं चलता हूँ आपको यहाँ पे आगे चल के ना, लोग बोट राइड लेके ना नॉर्थ कोरिया के अंदर का जो ना नज़ारा देखेंगे। और भाई यहाँ पे मेरे को एक रिक्शा दिखाई दे रहा है, मैं इससे पूछता हूँ ये सवारी वाला रिक्शा है क्या? नहीं हाँ नहीं हाँ विद दिस 2块钱吧 2 yuan 2块钱啊对对啊ok भाई चलो इस रिक्शा पे बैठ गए। इधर बैठूँ ओके चलो। तो भाई अब पहली बार चाइना में रिक्शे की सवारी हो रही है हमारी। देखो यार रिक्शा ये ऐसे चला रहे हैं भाई, चाइना में अभी भी रिक्शे चल रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी टाइप की आपको देखने को मिलेंगी, नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें ना यहाँ पे मॉडर्न हो चुकी हैं। देख सकते हो एकदम कितना बेहतरीन, एकदम सनी डे है, और केवल 2 युआन, मतलब यार 22-23 रुपये लग रहे हैं बस इसमें बैठने के। तो चीप है यार, मतलब ऑनेस्ट भी है, मतलब फॉरनर देख के ज़्यादा चार्ज कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे, ये एक अच्छी चीज़ है। यस आई वॉन्ट टू टेक बोट ट्रिप। तो मेरे से पूछ रहे थे कि यार बोट ट्रिप लेना चाहते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं बोट ट्रिप लेना चाहता हूँ भाई। ये जो सिटी है ना, ये 2005 में चाइना की क्लीनेस्ट सिटी का इसको अवार्ड मिल चुका है, और 2001 में इस चाइना की बेस्ट ट्रेवल सिटी बताई गई थी। तो बता रहे हैं बोट टूर के बारे में कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बोट टूर की कंपनी है, मैं वहाँ पे तुम्हें लेके जाऊँगा, वहाँ बता दूंगा तुम्हें। तो ये मेरे को लेके जा रहे हैं इधर बोट टूर के लिए, यहाँ से हम लोग बोट टूर जो है ना बुक करेंगे, देखते हैं। दिस इज द बोट टूर टू द रिवर वेयर वी कैन सी द नॉर्थ कोरिया। I know I can't go to the Korean side, but I can see the Korean side from the boat, right? Yes. How much is the price? 价钱是多少? 人民币100. Okay. और ये हमारी बोट टूर जो है 100 RMB की, यानी लगभग 1100 हिंदू। मैंने बता रहा हूँ मैं इंडियन हूँ। अच्छा ओके हाँ पासपोर्ट। ये चौक गए यार सुन के कि मैं इंडियन हूँ। फोन नंबर ओके 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 फोन नंबर मांग रहे हैं, मुझे लगा पासपोर्ट मांग रहे हैं भाई। चाइना बीजिंग
फोन सिम कार्ड चाइना बीजिंग यस बीजिंग सिम कार्ड या वही यस 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 ये कह रहे हैं भैया मेरे दो युआन दे दो तुम्हारी फिर जो चल रही है वो बात करते रहो बोट टूर मैंने यहाँ से बुक करवा लिया है भाई 100 RMB का बोट टूर है मतलब समझ लो 1000 रुपये के आसपास का और वो सामने बंदा जो है ना हमारा वेट कर रहा है वो हमें लेके जाएगा घुमाने के लिए तो यार इस ट्रैवल एजेंट ने मेरी पर्ची काट के मुझे इस वैन में भेज दिया एक दूसरे ट्रैवल एजेंट के पास। अब यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी तो मुझे भीड़ देख के ऐसा लगा कि उसने अपना कमीशन काटा होगा और अब यहाँ से ना ये पूरा ग्रुप घूमने जाएगा मेरे साथ। और ये देखो ये टूर का इन्होंने पूरा दिखा रखा है, नॉर्थ कोरिया का झंडा लगा हुआ है और ये जो जो जगह हमें घुमाएंगे जो चीज़ें हमें दिखाएंगे उसका ये पूरा सा इन्होंने ये लगा रखा है। और यहाँ से इन्होंने जो हमें पुराने बंदे ने पर्ची काट के दी थी ना वो उसके बदले में हमें टिकट देंगे। नहीं हाँ शिष्य तो यार यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और उन्होंने मेयर से पर्ची ली बाकी टूरिस्ट की तरह। फिर इस बंदे ने कुछ बोला और अब आप यहाँ से लोगों के रिएक्शन देखो, सब लोग मेरे को देख रहे हैं और मेरे को बहुत ही वियर्ड और अनइजी फील हो रहा था। अब यहाँ पे लोगों के रिएक्शन देख के मुझे ये तो भाई पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ पंगा जरूर चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पंगा क्या है, मतलब ऐसा हुआ क्या है कि ये लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं, मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं। पता नहीं चाइनीज में बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बाकी ये हमें मिला हुआ है टूर के लिए और अब टूर जो है ना स्टार्ट होगा यहाँ से, देखते हैं कि कैसा रहता है टूर। और बाकी जो चाइनीज़ लोग बहुत सारे यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ना वो इस टूर में मेरे साथ जाने वाले हैं, तो ग्रुप टूर है एक तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लोग हैं, ये सारे लोग हैं इधर। फिर एक लड़की आती है और उसने मेरा जो है ना आईडी कार्ड इन्होंने ग्रुप टूर का पहनाया हुआ था वो मेरे से ले लिया और उसके बाद मेरे से ना उन्होंने पर्ची भी ले ली जो उस बंदे ने काट के दी थी मेरे को। मैं आपको सच बताऊंगा यार कि मुझे इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली और वियर्ड लग रहा था और पता ही नहीं लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे थे। इस लड़की ने मुझसे बोला कि नॉर्थ कोरिया के अंदर फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। बट वी वॉन्ट एंटर नॉर्थ कोरिया राइट। फिर इस लड़की ने मुझसे बोला कि तुम फॉरेनर हो, हम तुम्हें इस ट्रिप के अंदर नहीं ले जा सकते। माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू दिस टूर फ्यू मंथ्स बैक। फिर इसने बोला कि तुम्हें चाइनीज नहीं आती और तुम एक फॉरेनर हो तो तुम इस ट्रिप में ना कहीं खो जाओगे। दिस इज अ ग्रुप ट्रिप सो आई विल बी स्टक विद द ग्रुप ऑल द टाइम। तो मैंने इनसे कहा कि यार ये एक ग्रुप ट्रिप है और मैं ग्रुप के साथ पूरे टाइम रहूंगा तो मैं खो कैसे जाऊंगा यार एक बंदा। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं सुनी और इन लोगों ने अपना ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लिया था और इन्होंने मुझे वापस उसी टैक्सी पे भेज दिया जिससे मैं आया था। तो यार मुझे लगा कि हो सकता है कि अब जो है ना इसी टैक्सी से जो है ना ट्रिप स्टार्ट होगी, तो मैं इस टैक्सी में जाके बैठ गया। तो भाई अभी यहाँ पे पहुँच के ना ये बंदे जो यहाँ पे थे वो बोलने लगे कि यार तुम जो है फॉरेनर हो तो तुम्हें हम अलाउ नहीं कर सकते नॉर्थ कोरिया साइड ना, फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते। मैंने कहा क्या, हम कौन सा नॉर्थ कोरिया के अंदर जाने वाले हैं? तो कहने लगे कि हमें डर है कि तुम लोग तुम चाइनीज़ नहीं बोलते तो तुम खो जाओगे कहीं इधर उधर। तो मैंने कहा भाई मैं तो ट्रैवल ब्लॉगर हूँ भाई, मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैं कैसे खो जाऊँगा, वो भी ग्रुप ट्रिप में कैसे खो जाऊँगा मैं। तो फिर कहती है कि चलो ठीक है, फिर उसने मेरे को इस गाड़ी में बिठा दिया है भाई। अब मेरे को नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं भाई, ये मुझे नहीं पता। बाकी लोग जो है ना ग्रुप के कहीं और चले गए हैं और ये मेरे को अलग से ले जा रहे हैं इधर।
कंफ्यूज है भाई ये लोग, मुझे लग रहा है पहले किसी फॉरनर ने इनकी इनकी कंपनी से ट्रिप नहीं ली है। नदी के उस साइड जो आपको पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा नॉर्थ कोरिया के साइड का एरिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रिप के लिए, आई होप की ट्रिप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया इनका हिसाब कि ये कैसे ले जा रहे हैं मेरे को। तो यार उन्होंने नया वापसी मेरे को उसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ से मेरे को उठाया था। बहुत बुरा लग रहा है यार कि मतलब कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, अगर तुम ट्रिप में जाओगे तो तुम्हें चाइनीज़ नहीं आती तो तुम कैसे समझोगे, ये वो 100 तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार भाई तुम एक काम करो, मेरे पैसे वापस कर दो, और क्या मैं क्या करूं, मेरा टाइम ख़राब हो गया। और मैं इस बोट टूर के लिए ही भाई डंडोंग में आया था, और देखता हूं कोई ना कोई यहां पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, कोई ना कोई तो हमें बोट टूर ज़रूर देगा। मतलब कह रहा कि अब मैं तुम्हें प्राइवेट एक जो है ना वो करवा देता हूं, लेकिन प्राइवेट कार के थ्रू अगर तुम ट्रैवल करोगे तो तुम्हें 400 RMB देने पड़ेंगे। तो मैंने 400 RMB तो मतलब 4000 रुपये हो जाएंगे यार। तो मैंने कहा भाई रहने दे, मैं जा रहा हूँ उधर रिवर की साइड पे, और रिवर की साइड पे ना देखता हूँ 2-4 ट्रैवल एजेंसी से बात करता हूँ। मतलब मैं बोट टूर के लिए ही आया हूँ और वही काम नहीं हो पाएगा तो फिर मेरा इतना पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है यार।